स्टार्ट करोगे। एंड ये कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वेबएक्स प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्यूटर पे बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। इट इज ओनली वेबएक्स दैट इज बिहेविंग लाइक दिस। नमो नमः गीता जी, एग्जैक्टली वी कैन सी यू। नमो नमः अगेन आई थिंक और एम आई सीइंग इट ओनली अब क्या हुआ वर्षा जी? ग्रे ग्रे पापा ग्रे बॉक्सेस आ रहे हैं। ग्रे बॉक्स आ गया मामा क्या? हाँ मामा यवनिका ग्रे स्क्रीन हाँ, रशिया इट्स लाइक वीडियो लोड नहीं कर पाते हैं तो जैसा ग्रे पोर्शन दिखाता है ना पिक्सेलेटेड सा वैसा वाला दिख रहा है। हाँ, वो केवल एप्लीकेशन शेयर किए तो ऐसा होता है, तो हाँ, अभी पूरा मैंने वैसा। पूरा डेस्कटॉप किया है, देखो अभी ठीक हुआ क्या? अभी इज इट बेटर? हाँ अभी दिख रहा है अभी सही दिख दिखा रहा है। अभी वो वेबएक्स रिपोर्ट भेज रहा है, तो वो भी दिख रहा है। हाँ वही जो हैंग हुआ था ना, मैंने उसका प्रॉब्लम रिपोर्ट क्रिएट करके भेजा था। इट्स दिस सेंडिंग समथिंग। ओके चलो, तो लता सब शब्द की विभक्तियाँ हम करते हैं। तो जैसा ये तालिका है, ये नया शब्द भी आप लिख लीजिए कहीं पे, कागज में, तालिका मतलब टेबल। तो आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की विभक्तियां देखेंगे। और वैभवी जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके नाम पे भी आएंगे किसी दिन, शायद अगली बार इकारांत हाँ स्त्रीलिंग ठीक है शब्द कोई की। बात नहीं सी ले कोई बात अच्छा, नहीं। अगेन यू हैव टू राइट इट लिटिल बिलो दैट फर्स्ट अच्छा लाइन यू कैन मिस अच्छा सॉरी अच्छा हाँ, मैं समझ क्लिप्स गया। अभी ये वाला जगह पे दिख रहा हाँ है? हाँ हाँ 1 इंच का नियम। हाँ, आप लोग मुझे याद दिला देंगे तो मुझे ध्यान में आ जाएगा। अभी 2-3 बार हो जाएगा तो आई विल रिमेम्बर, मुझे फिर हमेशा याद रहेगा कि ऊपर का थोड़ा सा छोड़ के लिखना। ठीक है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि गीता, लता। लता बहुत प्रसिद्ध शब्द है, जो कि आपको पुस्तकों में, जो भी संस्कृत की पुस्तकें होती है उनमें आकारांत स्त्रीलिंग का जो उदाहरण होता है वो लता शब्द से ज्यादातर होता है। वर्षा, मोहा, किसी लड़के का नाम सुना है कभी? आ पे खत्म होता आदित्य है तो नहीं वो आदित्य आदित्य होता है, होता हाँ तो वो अकारांत आदित्य है असल में गीता हाँ कारांत है। आकारांत जी। नहीं, आदित्य है, आदित्या नहीं है। आदित्य आदित्य हाँ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें अंत में आ और ई लगाते हैं तो वो पुल्लिंग नहीं हाँ होता है। हाँ तो ज्यादातर आ और ई जो शब्दों में होते हैं, मोहा जी कहीं गई और आ गई। ठीक है, तो अब हम लता शब्द की पहले विभक्तियों के अरे हिंदी मतलब देवनागरी वाले संख्या देवनागरी संख्या लिखनी। आप में से ज्यादातर को ये देवनागरी वाले संख्या आती है क्या? आचार्य मुझे आती है हाँ आती है बहुत बढ़िया।
और धीरे धीरे आ जाएंगी यदि जिसको भी नहीं आती है, क्योंकि ये देवनागरी की है तो ये संस्कृत में भी काम आती है, ये हिंदी में भी काम आती है, और भी भाषाओं में, मराठी में भी यही उपयोग होती है। और भी कोई भाषा आप यदि बता सकते हैं मुझे जिनमें देवनागरी की संख्याएं उपयोग होती हैं, तो भी अच्छी जानकारी होगी। इन कन्नड़ा सिमिलैरिटी इज देयर, तो कैसे लाइक यू लिखते हैं राइट उसको? टू एंड थ्री इन द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे. हाँ 2 एंड 3। अच्छा, और वन? एंड फाइव ऑल्सो एंड अच्छा, कन्नड़ा। एट, सेवन एंड एट इज डिफरेंट. अच्छा, वन इज लाइक द व्हाट डू यू कॉल, उल्टा यू, उल्टा यूज वन इन कन्नड़ा. लाइक And I दिस। think even in Telugu, yes, that is हाँ, one. इन तेलुगु ऑल्सो इट्स द सेम। हाँ, हाँ. ओके। मगर शून्य सभी भाषा में एक ही शून्य शून्य। है। नाइस। चलो, तो ये एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीया हो गया। अभी हम ये भी लिखेंगे कि किसका क्या कब उपयोग होता है। तो प्रथमा ने, या फिर इसको हम कर्ता कहते हैं। तो जब कोई कर्ता है तब प्रथमा उपयोग होती है। इसी को इंग्लिश में यदि किसी को समझना है तो दिस इज द डूअर, समबडी हु इज डूइंग थिंग्स। तो जब हम राम की विभक्तियां देख रहे थे, व्हेन वी वर लुकिंग एट रामह रामम, तो रामह जो है वो रामह प्रथमा थी। उसी तरह लता, गीता, जो मूल शब्द है, ओरिजिनल शब्द, मूल शब्द वो वैसा का वैसा ही है। आकारांतर स्त्रीलिंग शब्द में उसमें विसर्ग या कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम साथ में करते जाते हैं। तो चलिए, आज उदाहरण कौन देगा? गीता जी अपना उदाहरण दीजिए। पिछली बार हमने कोई उदाहरण लिखा था, शायद आपको याद होगा, तो आप बोल सकती हैं। तो जब आप डूअर हैं, मतलब आप कुछ कर रही हैं, तो वैसा वाक्य में उपयोग करना है। आप कोशिश करना चाहती हैं या फिर मैं एक उदाहरण मैं दे दूं? आप म्यूट में बात करें. हाँ, गीता पचति आगच्छति. उत्तमम उत्तमम। गीता पचती, तो गीता इसको क्या आगच्छति? तो आप दो दो यदि क्रियाएं उपयोग कर रही हैं, पचती आगच्छती, तो फिर आखिरी में च भी लगा दीजिए, तो उसका जो हाँ, अर्थ है वो सही हो जाएगा। गीता पचती आगच्छती च, दिस मीन्स गीता इज कुकिंग एंड कमिंग। अच्छा पर भैया, इज़न्ट हाँ हाँ बोलिए रघु जी। इट लाइक पच्चत्वा आगच्छति, लाइक अड़गे माड़ी, आई मीन आफ्टर कुकिंग शी इज कमिंग, इज़न्ट हाँ, मैं समझ गया। आप जब दैट अड़गे माड़ी बोली तब भी मुझे कि आप ये बोलना चाहती हैं कि वो पका कर आ रही हैं, है ना? हाँ, तो अब यदि गीता जी सही में वही कहना चाहती हैं कि मैं पकाने के बाद आ रही हूँ, तब पचती आगच्छती नहीं होगा, तब पचित्वा आगच्छती, तो मतलब पका कर आ रही हैं। ओके. सो व्हेन डस पचती आगच्छति होल गुड? जब आप दोनों चीजें साथ में कर रही हैं तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है? लेकिन आप ये कह सकती हैं कि गीता पचती वदति च, तो
वो पका भी रही हैं और बोल भी रही हैं, या फिर पका रही हैं और साथ में गा रही हैं, मे बी शी इज सिंगिंग अलोंग विथ कुकिंग। तो तब आप बोल सकती हैं कि गीता पचति गायति च, गायती टीचर, ओके, बट ठीक है। व्हाट इज इट लाइक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ डू वी से दैट इफ इट इज लाइक गायती और वदती हाँ, ड्यूरिंग कुकिंग? तो उतना काफी है, पचती गायती च, मतलब गीता जी इज कुकिंग एंड सिंगिंग। तो अब सिंगिंग, हाँ ओके, इट इज सो एट मल्टीटास्किंग। या बट एट अ लेटर डेट प्रोबेबली वी कैन लुक एट लाइक द सेंटेंस लाइक गीता इज सिंगिंग व्हाइल कुकिंग, हाँ, दैट इज एन एडवांस्ड सिंगिंग एंड रियलाइजेशन। कुकिंग, या सिंगिंग एंड कुकिंग इज फाइन, सिंगिंग व्हाइल कुकिंग इज नेक्स्ट प्रोबेबली वी कैन लुक इनटू दैट। हाँ, तो मैं समझ गया आप क्या बोल रही हैं। जब हम टेंसेस की धीरे धीरे, अब वो तो बहुत बाद में आएगा टेंशन, टेन, या विभक्त, नाउ वी आर हाँ, लुकिंग एट विभक्ति ना, सो तो जब हम भविष्य ओके काल, फाइन। भूतकाल, वर्तमान काल, एक एक क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था कि हाँ सिर्फ नाम हाँ देखे थे कि अलग अलग काल को बोलते क्या है संस्कृत में। हाँ तो जब हम उसमें डिटेल में जाएंगे तब हम सिर्फ भूतकाल, सिर्फ भविष्यकाल, ऐसे भी हम कई सारे करेंगे। पर अभी जहां जहां पे ओके काम में आता है हम बोलते हैं। जैसे कभी कभी गीता जी जब पकाने के लिए भागने वाली होती हैं तब वो बोलती हैं आगमिष्यामि, ठीक है, तो मैं आती हूँ, आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। आगमिष्यामि मतलब मैं वापस आऊंगी, और गमिष्य जैसे इष्य लगाया तो वो भविष्यकाल हो जाता है। ओके तो जो जो हमको आवश्यकता पड़ती है वो हम अभी से सीखते जाएंगे। पर हम जैसे आज विभक्ति कर रहे हैं तो विभक्ति की, हमको ओके सारी विभक्तियों की आवश्यकता आज नहीं है, लेकिन हम आज अलग से पूरा का पूरा तालिका उसकी जो है सीख रहे हैं। लेकिन इसके कुछ शब्द हम पहले भी अपने वाक्यों में उपयोग कर चुके हैं, गीता शब्द के भी, गीता या लता या वर्षा मोहा, कारांत स्त्रीलिंग शब्द, कुछ कुछ हम पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा अभी धीरे। तो अभी हम द्वितीया को ओके देखते हैं। तो आचार्य, द्वितीया, आद्य आद्य पचति आगच्छामि। तो आपको अभी से जाना है क्या? नहीं, 8 बजे, इट इज अष्टमी। अच्छा, अष्टम, अष्टवादनम, ठीक है। तो आप, यदि आपको बोलना है 8 बजे, तो संस्कृत में बजे अष्टवादनम, को वादन, हाँ एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा, वादनम, दिस घंटे, व्हाट एवर वी से ना, अष्ट एंट घंटे, पंच आई घंटे, सो फॉर आवर वी से वादनम इन संस्कृत, दिस इज आवर्स। सो अष्टवादनम, नववादनम, इस तरह से आप कह सकते हैं। इट्स मोर लाइक अ साउंडिंग लाइक, आपकी आवाज चली गई गीता जी। साउंडिंग लाइक व्हाट? मृदंग वादनम, हाँ, नाइस। वादनम इज मोर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, यू नो, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वादनम। हाँ, पर संस्कृत में जो घंटे है, बजे, असल में उससे हाँ जुड़ा हुआ भी है, वो धीरे धीरे हम समझेंगे। ये थोड़े डीपर मीनिंग्स है, गहरे मीनिंग है जो आप बोल रही है ना कि बजाने से रिलेटेड है, क्योंकि हिंदी में जब हाँ हम घंटे, एंड लकीली वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। चलचित्र संरक्षणम प्रारंभ करोमी, आरंभ करोमी। आरंभ, हाँ तो पुराने बताओ। समय समय की जो घड़ियां होती थी, आपने बिग बैन टाइप की घड़ियां देखी होंगी हमारे,
जो पेंडुलम जिसमें रहता था, एक दोलक रहता था, दोलक मतलब पेंडुलम। और जब भी घंटे का समय होता था, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा ऐसे, तो वह टंग टंग आवाज आती थी। तो इसलिए उस समय सारे जो घंटे हैं, 1 बजे, 2 बजे, आपने हिंदी में ये सुना होगा, बजे बजे कहते हैं, तो वो असल में हाँ घंटी के आवाज के कारण उसको कहते हैं। तो इसीलिए हाँ वहां से ये संस्कृत का भी ये शब्द जो है उसके कारण ही है। मतलब हिंदी में भी वो वाद बजे इसलिए आया बिकॉज क्योंकि संस्कृत में वादनम था, तो वो घड़ी की आवाज के कारण था। हाँ वो ही इज और हो सेम सकता थिंग होल्ड्स ट्रू इन तेलुगु ऑल्सो। घंटा दो घंटा बोलता है, दो तो वो घंटे 3 घंटे घंटी कहते हैं। बजी सेम मीनिंग। हाँ हाँ, वर्षा जी बोलिए, आप भी कुछ बोल रही जी, मैं थी। भी वही कह रही थी कि घंटा के कारण ही उसको कहते होंगे, घंटा बजता था इसलिए घंटा। हाँ तो इसलिए जो वादनम आप बोली ना गीता जी की, मृदंग वादनम से मिलता जुलता लगता है, वो सही बात है। वो असल में उसकी आवाज से, जो घंटे की आवाज होती है, हाँ उससे जुड़ा हुआ है ये शब्द। उत्तम। ओके, तो आपने सही पकड़ा और ये अच्छी बात जी हमको आज पता चली, ध्यान में आई। धन्यवाद पक्का गीता पक्का, और जी। आपने भी सही एनालाइज किया, धन्यवाद। हाँ, मुझे तो अचानक से ध्यान में आया कि हाँ यार, ये आवाज के कारण है ऐसा। जब गीता जी ने बोला ना कि वादनम मृदंग वादनम, जैसा लग रहा है। तो आचार्य, इफ वी वांट टू से गीता पचति एवं अच्छा गायति च, हाँ, तो आप यदि च लगा रही हैं तो एवं की जरूरत नहीं है, क्योंकि च का मतलब भी वही है, च इज एंड। हाँ तो आप बोलेंगे गीता पचति गायति च, एवं तो या पचति गायति च, बस उतना बोलेंगे तो भी चलेगा। एवं लगाएंगे तो च की जरूरत नहीं है, गीता पचति एवं गायति, वो भी चलेगा। अब हम सारे के सारे फॉर्मेशंस इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि हमको कभी कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो कहीं पे च का उपयोग ज्यादा रहता है, कहीं एवं मिलेगा, तो आपको सबका अर्थ समझ में आएगा कि एवं का भी वही मतलब है, च का भी वही मतलब है। तो का चलिए, मतलब जब सेम है तो कॉन्टेक्स्ट क्या अलग होता है कभी, कि यहाँ पे एवं ही इस्तेमाल कर सकते हैं च नहीं, या फिर यहाँ सिर्फ च ही कह सकते हैं एवं नहीं, ऐसा कुछ होता है या? जब दो ही चीजें हैं, मान लीजिए हाँ ऊपर कहीं पे लिख के देखते हैं। If I want to say that Geeta is cooking and singing, हाँ, she is singing while cooking. वाइल तो अभी बहुत Geeta, एडवांस चीज है, वाइल हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ सिंग पचती एंड गायती, तो आपने हम मीनिंग वही है कि आप कुकिंग भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो जब दो ही चीजें हैं तब हम एवं भी उपयोग कर सकते हैं, च भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब एक पूरी लिस्ट है, समझ लो आपको बोलना है कि वर्षा पका भी रही है, गा भी रही है, नाच भी रही है, कूद भी रही है, सब एक साथ ही हो रहा है, तो तब हमको सीधे अंत में च उपयोग करना पड़ेगा, तब हम एवं का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो दो चीज नहीं है, ये दो से ज्यादा है। तो तब आपको बोलना पड़ेगा वर्षा पचती गायती कॉमा, मतलब जो अल्प विराम होता है वो लगा के, वर्षा पचती गायती क्रीडती च। तो अब इसका मतलब है कि वो बच्चा पका भी रही है, गा भी रही है एंड खेल भी रही है। तो जब दो से ज्यादा है तब च इज अ बेटर ऑप्शन। तो एक्चुअली आप च को स्टैंडर्ड यूज करने रख सकते हैं, सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कब एवं करना है कब च करना है, क्योंकि अच्छा च दो के लिए भी चलता है, च 10 के लिए भी, इफ 5 की लिस्ट है 10 की लिस्ट है तो भी चलेगा। हाँ हाँ
और एवं और हम लोग तथा यूज करते हैं क्या संस्कृत में? तथा मैंने तथैव रूप में तो देखा है, पर तथा जो हम एंड के स्टाइल में करते हैं वो अभी तक पुस्तकों में दिखा नहीं है मुझे। मुझे दिखेगा तब मैं बताऊंगा, अभी मैं उसको पक्का नहीं बोल सकते कि करना चाहिए कि नहीं, पर अच्छा ठीक है। तथा आया तो संस्कृत में से ही है, ये भी पक्का है। हाँ पर पुस्तकों ठीक में है। दिखना चाहिए क्योंकि हम काफी सारी ये संस्कृत भारती और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की पुस्तकें देखते हैं, तो अभी तक तो नहीं मिला, देखते हैं जब आएगा तो मैं बताऊंगा। मेरी तो संस्कृत के ऊपर बहुत शोध चलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ से अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊँ, अपनों को बताऊँ। नवीन जी आप कुछ ठीक है। बोल रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, देख रहा था स्त्रीलिंग का हाँ, कुछ आकार। कुछ आपको हाँ पता चलेगा तो बोलिए, वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब द्वितीया अवश्य। कर्म, कर्म मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे हम प्रथमा ने बोलते हैं वैसे द्वितीया को। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा था राम में, तो दिस इज टू, मतलब राम के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो दिस इज व्हेन राम बिकम्स द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कर्ता था, कर्ता मींस इंग्लिश में डूअर या सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, हु इज डूइंग द वर्क। एंड कर्म मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में गीताम हो जाएगा। इसी को हमने पिछली बार एक उदाहरण में देखा था, पाठशाला या शाला, आप यदि लिखेंगे तो शालाम। शालाम। हाँ शाला भी एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं शाला। पाठशाला या शाला दोनों एक ही बात है। तो चलो इसका उदाहरण कौन देगा? नवीन जी। द्वितीया द्वितीया विभक्ति। विभक्ति को पिछली बार हमने एक सिंपल सा यूज किया था, गीता शालाम गच्छति, तो शालाम जो है द्वितीया अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है, हाँ लेकिन गीता में हमने तो उपयोग नहीं किया उसे। हम हाँ अहम भी कर सकते हैं, बोलिए। अहम गीताम हाउ डू यू से अहम गीताम पठामी, पाठशाला अच्छा मुझे लगा आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो अहम गीताम पठामी, तो मैं गीता को पढ़ रहा हूँ, आप वो भी बोल सकते हैं। हाँ अहम गीताम पठाम और तो वैसे पहले आप क्या बोलना चाहते थे पाठशाला वाला? हम बोलना चाहते थे कि हम गीता को पाठशाला लेके जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो ओ, तो अहम गीताम शालाम नयामी, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी हमने दो दो शब्दों का ओके। सीखा है, पर हाँ गीता को पाठशाला को ले जा रहे हैं, मतलब पाठशाला। और पाठशाला निकाल दीजिए, अहम गीता लेके जा रहे हैं, तो हाँ तो ऐसा नयामी, बोलते हैं। नय नय आपने सीखा था पिछली बार, हाँ सीखा था नयामी। हाँ लेकर जाना, टेक। हाँ नयति नयामी। हाँ ये टेक वाला वर्ब है, टेक हाँ किया। और आनय मतलब ब्रिंग। ब्रिंग। हाँ ओके लगाने टेक और आनय इज ब्रिंग। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, अहम गीताम नयामी। हाँ तो आप गीता को लेके जा रहे हैं, तो आप शायद गीता पुस्तक भगवत गीता के लिए बोल रहे हैं क्योंकि गीता को लेके जाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, पर पर हाँ गीता जी मतलब गीता भगवत गीता की बात कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। पर ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा है तो उसको
उसका नाम गीता है तो बोल सकते हैं हम गीता हम नयामी। तो चलिए मोहा जी, आप भी कोई इसका उदाहरण कोशिश करना चाहेंगे द्वितीया का? द्वितीया विभक्ति। मोहा जी की आवाज नहीं निकल रही शायद, तो चलो आगे चलते हैं फिर। तृतीया। तो तृतीया में होता है, आचार्य, व्हाट डू दे से फॉर कॉलिंग? अहम गीताम कॉलिंग कॉलिंग। इज नॉट फोन कॉल, लाइक जस्ट इफ शी इज नियर बाई और हाँ हाँ मैं समझ यू रहा नो हूँ, शी इज कॉल बिसाइड मी। बुला रहे हैं। शायद वाद से मिलता जुलता कोई शब्द होता है, पर मुझे देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कॉलिंग के लिए हम क्या बोलेंगे? कॉल। वर्षा जी नॉर्मली एक्सपर्ट है इस तरह के प्रश्नों को जल्दी से ढूंढ के निकालने में, तो नहीं, मुझे नहीं सूझ रहा है शब्द। वादयामी हो सकता है, पर मैं अभी कंफर्म नहीं बोलता हूँ। तो जैसे वद, जैसे आपको ये पता है पठ, जैसे हम कहते हैं पठामी या पठती, तो पठ जो है पढ़ने से जुड़ा हुआ है, व्हेन आई एम स्टडी। पर जब मुझे बोलना है कि आई एम टीचिंग, तो इसी का थोड़ा सा अलग रूप है, पाठयामी। यदि मैं बोलूँगा अहम पाठयामी, तो दिस इज टीचिंग एंड पठामी इज स्टडी। तो ऐसे कुछ शब्द हैं संस्कृत में जिसमें एक शुरू में आ लगा देने से, पहले अक्षर में आ लगाने से वो ऑपोजिट हो जाता है। मतलब स्टडी मीन्स कोई और हमको पढ़ा रहा है, और पाठयामी मतलब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरह से मैं वदामी जो होता है, वद जो बोलने का होता है, तो मैं सोच रहा था कि उसके रिलेटेड हो सकता है, पर कॉलिंग के लिए देखना पड़ेगा ये अलग से क्या शब्द है। पुकारने से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, पुकारना, आवाज लगाना। आह्वानम नहीं हो सकती है ना, इट्स मोर लाइक आह्वान थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ विथ रेस्पेक्ट हो गया वो तो। और पर ठीक है, किसी मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा, पर मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कम से कम कॉलिंग। मैंने अभी अभी उसका गूगल पर देखा, नवीन जी ने एक्चुअली सही कहा है, कुछ ऐसा सा तो कहीं पे बहुत कम जगह कह रहे हैं, पर अव्ययंतम कह रहे हैं, आवान से ही आ रहा है, अव्ययंतम अच्छा, हुआ तो है, फिर आह्वान ही होगा, अवायामी आह्वयामी हाँ, या आह्वान अव्ययंतम, करोमी ऐसे भी बोल सकते। बट अवायामी सीम्स लाइक प्रिटी ड्रामेटिक, हाँ like we call gods and हाँ before या the दैट्स एक्जेक्टली इन avatar. फॉर्म ऑफ इन हवन, वी से आहा आवाहयामि, वी ऑफर घी टू गॉड सेइंग आवाहयामि। ठीक है, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे यदि कुछ तो मिलता है तो फिर बताएंगे। और एक पदानी मिली मिली ये पता नहीं, आप चेक कर सकते हैं। प्रवदते प्रवदते। हाँ, हाँ तो वद से मुझे लग रहा था कि कुछ मिलता जुलता हो सकता है, तो प्रवद आपको मिला क्या कहीं पे ये? हाँ उसमें कॉल एक मीनिंग है, और एक डजन मीनिंग्स भी है उसके साथ, तो आप देख सकते हैं प्रवदते या बोल सकते हैं कि नहीं। एक और शब्द भी दिख रहा है मुझे जो वर्ब में कह रहा है, वो है आक्रोश। फिर से बोलिए मोहा जी। आक्रोश,
आक्रोश, आक्रोश, आक्रोश। आक्रोश। अच्छा कृष, तो क्र कौन सा वाला है, कृष्ण वाला क्र है या? कृष्ण वाला है, सॉरी क्रॉन्च वाला क्र। अच्छा और ह्रस्व उ की मात्रा श, शक्कर की श षटकोण। शक्कर वाली, श शक्कर वाली। ठीक है चलो, ये अभी हम मुझे लग बाकी रहा भी है कि भक्तियां जल्दी शब्द जल्दी करते और हैं। फल के लिए ज्यादा प्रयुक्त तो होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सब सारे इंग्लिश में। वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो कॉलिंग जो है वैभवी जी को, जिसको मिल जाए वैभवी जी को पक्का बता देना, क्योंकि उनको पूरा पूरी उत्सुकता है मुझे कॉलिंग। गीता जी को बुलाना है इसलिए वरना वो नहीं आएंगी, वरना वो खाना बनाने चली जाएंगी तो उनको तो आप सीधे बन्नी बन्नी कह सकती हैं, बन्नी मैडम तो बनी भी। पर आप जो बोल रही हैं ना, उसके ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे मैं आपको अगले पेज पे, अच्छा अगला पेज थोड़ा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सब कुछ इस पे ही लिखेंगे तो हम विभक्ति के उदाहरण किधर लिखेंगे। तो एक सेकंड बताता हूँ, जैसे आपको बुलाना है गीता जी को, तो उसके प्रैक्टिकल मतलब कैसे आप बुलाएंगे, आप बोलेंगी जो अष्टमी है ना, अष्टमी का उपयोग हो सकता है यहाँ पे, हे गीता और भो गीता। वत्स तु, तो आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, तू जब भी हमने लगाया, जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी कभी वदतु पृच्छतु, तो आपने जब भी तू लगा दिया तो ये विथ रिस्पेक्ट हो जाता है, सम्मान के साथ। हाँ तो आपको गीता जी को यहाँ बुलाना है, तो आप बोलेंगी हे गीता आगच्छतु, मतलब गीता प्लीज कम। सो डज दिस हेल्प वैभवी जी? ओके या है ना? और यदि आप ऑर्डर कर रही इसका हैं, मतलब कभी कोई छोटे बच्चे को बोलते हैं नहीं। इधर आ, तो उसको ज्यादा हाँ सम्मान नहीं देते हम, तब हम विदाउट द तू बोलेंगे अगच्छ। आगच्छा। हाँ हाँ विदाउट द रिस्पेक्ट है ना, ओके अगच्छ तू इज विथ रिस्पेक्ट। तो आगच्छ के बाद विसर्ग है या नहीं? नो कोई विसर्ग नहीं है ओके तो यहाँ पे, शायद वो डॉट्स दिख रहे हैं पर ठीक है ठीक। कोई विसर्ग नहीं है। अगच्छ तो आपको गच्छ तो समझता है, गच्छ मतलब जाना गो, और आगच्छ मतलब आना कम। तो यू कैन से दिस फॉर कॉलिंग। आचार्य, माय मॉम इज टेलिंग अहम ताम ताड़यामि। आचार्य का कम कम ताड़यति तब माता, हाँ माता। मामा माता, माता ताड़यति। उत्तमम। ओके सो तृतीया, तृतीया विभक्ति इज से के द्वारा। सो फ्रॉम वाया थ्रू सो फॉर राम शब्द, इफ यू रिमेम्बर रामेण, गीतया, सो गीता के गीतया, लिए गीतया। गीतया, सो गीता का जो आ था, आ की मात्रा, वो चली गई, इट इज ओनली गीतया। और वर्षया, मोहया, शालया, हम
तो यहाँ पे कौन उदाहरण देना चाहेगा? कोई कोई उदाहरण? मोहाजी, हम हाँ बोलिए गीता जी, आप। आई थॉट ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल, उदाहरण. हाँ, अहम भगवद गीता पुस्तकम मोहा मोहया प्रेश प्रेश्यामि प्रेश्यामि. प्रेष्यामि। भगवद्गीता पुस्तकम। ये जगह यहाँ कम पड़ने वाली है ऐसा लग रहा है, खिचड़ी पक रही है थोड़ी थोड़ी। एक सेकेंड, गीता आचार्य, गीताया नमनम क्रियते, इज दैट करेक्ट? गीता या नमनम, तो गीता के थ्रू या गीता से? हाँ, नमनम क्रियते. पर आप गीता के थ्रू नमन करने वाले, मतलब नहीं, आई एम यूजिंग इट इन अ पैसिव वॉइस, नॉट एक्टिव. गीता नमनम करोति, गीता गीताया नमनम क्रियते बाय गीता. वो कह गोइंग रही हैं डाउन गीता इज के ध्यान द्वारा बैक, नमन गीता के किया द्वारा गया नमन है. किया गया, ऐसा आप बोल रही हैं। हाँ, गीता के द्वारा नमनम क्रियते, किया गया। अच्छा, ओके. आई गेस क्रियते आई एम तो, कॉम्प्लिकेट हाँ आई एम नहीं अभी कॉम्प्लिकेटिंग असल, थिंग्स. हाँ कॉम्प्लिकेट नहीं, मतलब असल में आप थोड़ा सा पास्ट टेंस भी कर रही हैं ना, तो अभी हमने क्योंकि वो सीखा नहीं है तो वो हर किसी को अभी समझेगा नहीं, तो प्रेषित वर्तमान वाणी। काल, वर्तमान ओके, बट व्हाट आई काल, एम हम जो हम कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और रॉन्ग? मे बी इन फ्यूचर वी विल एड्रेस दिस, बट राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और रॉन्ग. क्रियते राइट इज बीइंग डन. इज बीइंग ऑल्सो, अभी वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है फॉर संस्कृत, मतलब फॉर स्टार्टर्स। बट क्रियते क्रियते इज करेक्ट और रॉन्ग? मुझे तो लगता है ठीक है। पर ओके फाइन. या इट्स आप फेयर. कुरुतवान भी कर सकती हैं, जो एक ज्यादा इजियर फॉर्म है। जैसे हम प्रेषितवान, अभी गीता जी ने बोला ना कि अहम भगवद गीता पुस्तकम, आपने मोहया बोला या वर्ष प्रेष्यामि वर्षया? मोहया, मोहया मोहया मोहया, मोहया प्रेष्यामि. हाँ प्रेष्यामि बोला था। ठीक है, तो प्रेषितवान बिकम्स वो तो पास्ट हो पुल्लिंग जाता। द नो. हाँ पुल्लिंग द पास्ट, पास्ट, हाँ, पर पुल्लिंग द प्रेषितवान पास्ट. यदि लगाया तो पास्ट के लिए उसमें फिर बहुवचन, एक वचन, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेषितवान बहुत, उसका कवरेज बहुत ज्यादा है, तो प्रेषितवान, गच्छवान, इस तरह के जो पास्ट हैं उसमें फिर हमको ये नहीं सोचना होता कि वो प्रेजेंट पास्ट है या पास्ट क्या होता है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास्ट पास्ट एंड प्रेजेंट पास्ट टेंस। ओके ओके मैं, आचार्य. पर हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। अभी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम सब कुछ वर्तमान काल और एक वचन में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुवचन, द्विवचन, भूतकाल, भविष्यकाल करेंगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अहम भगवद गीता पुस्तकम मोहया प्रेषयामि। ठीक है, इसी तरह का कुछ उदाहरण मेरे ख्याल से नवीन जी ने भी पिछली बार बोला था, कुछ तो प्रेष्यामी वाला उदाहरण हाँ था उनका। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना कहीं पे? हाँ
आचार्य मम आगच्छामि वा आप आगमिष्यामि सीधे पूछ सकती हैं आगमिष्यामि मतलब आई विल कम बैक आई विल अहम आगमिष्यामि या सीधे पुनः मिलामा सीधे गीता जी कैन डिक्लेयर पुनः मिलामा पुनः मिलामा सर्वेषां पुनः मिलामा आचार्य यू हैव टोल्ड अस दैट इट इज समथिंग टू डू विद वास्तु नो यू सेड यू शुड ऑलवेज से आई विल कम बैक हां एग्जैक्टली वो वास्तु हाँ. भी है मैनर्स भी है बहुत कुछ है कि हम फिर से मिलेंगे तो उससे फिर से मिलेंगे राइट फिर मिलेंगे हाँ फिर मिलेंगे पुनः पुनः मिलामा मिलामा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों में विसर्ग है पुनः मिलामा दोनों में विसर्ग है तो आपने एक एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है वो शायद सुनी होगी वयम रक्षामः वयम रक्षामः मतलब हम रक्षा करेंगे तो रक्षामः मिलामः दोनों सिमिलर यूसेज है कि हम करेंगे रक्षा करेंगे तो यहाँ पे है हम मिलेंगे तो पुनः मिलामः का मतलब ही है कि हम बहुत सारे लोग हैं हम सब मिलेंगे वापस ये बहुवचन उपयोग है इसका आई हैड वंस यूज्ड आगच्छतु दैट इज रॉन्ग नो आगच्छतु आप यदि बोल रही हैं समबडी यू आर आस्किंग समबडी एल्स आने की रिक्वेस्ट कर रही हैं आई हैव टू से दैट आई विल कम बैक दैट इज आई एम इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम लीविंग आई एम कमिंग दैट इज द एक्चुअल मीनिंग हां आगच्छामि राइट तो आगच्छामि मतलब मैं आती हूँ लेकिन आप भविष्य में बोलना चाहती हैं शायद कि मैं आऊंगी तो आप बोल सकते हैं आगमिष्यामि जैसे अभी हमने आगच्छामि भी चलेगा आगच्छामि भी चलेगा पर आगमिष्यामि और भी अच्छा हो जाएगा आगच्छामि मतलब आती हूँ मतलब अभी अभी के लिए आप बोलना चाहती हैं ना कि जस्ट 10 मिनट्स में आती हूँ तब आप आगच्छामि बोल सकते हैं और फॉर फ्यूचर इट इज बेटर यू कैन से आगमिष्यामि आगमिष्यामि नो आई डिडंट अंडरस्टैंड आगच्छतु देन व्हाट इज आगच्छतु इट्स फॉर अदर व्हेन यू आर एड्रेसिंग द थर्ड पर्सन यू से come with respect agachatu is agach matlab you come and yeah. agachatu means please come please you are ordering somebody hey geeta agach so if I am asking you to come I am saying agachatu please come jaise main kabhi kabhi bolta hu na class mein aapne suna hoga shayad prachatu ya vadatu to main aapse बोल रहा हूँ कि पूछिए या बोलिए वदतु मतलब बोलिए पृच्छतु मतलब बोल पूछिए आपको आगच्छ का मीनिंग मालूम है हाँ क्या है वो आगच्छतु नहीं आगच्छ सिर्फ आगच्छ आगच्छ फॉर अ स्मॉल किड और समथिंग वी कैन से आगच्छ कम हाँ कम या गच्छ मतलब गो इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट समबडी टू गो विथ रिस्पेक्ट यू विल से गच्छतु सो प्लीज गो सिमिलरली आगच्छ मीन्स कम और आगच्छतु मीन्स प्लीज कम और बिना रिस्पेक्ट भगाते हुए बोल रहा हो तो हाँ तो वो मतलब हमको सम्मान के साथ कैसे बोलना है हम बहुत सारे शब्दों में सीखते रहते हैं ताकि उसको ज्यादा उपयोग में लाया जा सके तो आगच्छतु इज स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग व्हेन द कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग बिटवीन टू पर्संस यू कैन से टू द अदर पर्सन गच्छतु और आगच्छतु राइट करेक्ट
बट व्हेन यू आर सेइंग ती आगच्छति या गच्छति देन यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द एक्शन ऑफ समबडी एल्स शी इज कमिंग और शी इज गोइंग व्हेन यू आर सेइंग आगच्छति अस्तु और गच्छति गीता इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट आम आम गच्छति पठति लिखति वदति ऑल आर डिस्क्राइबिंग अदर पर्सन्स एक्शन करेक्ट बट हियर व्हेन यू से तू यू आर इन अ एक्टिव कॉन्वर्सेशन यू विल से आगच्छतु और गच्छतु अस्तु आदेशात्मक आगच्छ और आगच्छतु आदेशात्मक शब्द हैं दोनों इम्पेरेटिव इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना इम्पेरेटिव पर इंग्लिश में ये डिफरेंस नहीं होता इंग्लिश में इफ यू इम्पेरेटिव मीन्स ऑलवेज ऑर्डर्स देर इज नो प्लीज काइंड ऑफ थिंग इन इंग्लिश सो इन इंग्लिश यू हैव टू से प्लीज सेपरेटली बट हियर आगच्छतु जैसे ही लगाए तो वो ऑर्डर सॉफ्टर ऑर्डर हो जाता है प्लीज का अस्तु आचार्य आगमिष्यामि उत्तमम उत्तमम गीता महोदय मिलामः सर्वेषां नमो नमः नमो नमः गीता महोदय पुनः मिलामः धन्यवाद गीता महोदय तो आज भी बोलने वाला है पिछली बार भी हमने तृतीया तक किया था फिर गीता जी चली गई थी इसलिए हमने रोक दिया था कि चलो अब अगली बार करेंगे तो अभी फिर से हम तृतीया तक पहुंचे और गीता जी निकल ली पर चलो आज एक पंच कम से कम थोड़े और करते हैं गीता जी नमस्कारम नमो नमः गीता महोदय शुभरात्रि तो अभी चतुर्थी देखते हैं चतुर्थी का मतलब है के लिए फॉर के लिए गीता यही सिर्फ तृतीया में वैसा होता है कि आप जो गीता का जो आ है ता आखिरी में वो गायब कर देते हैं बाकी सारे पूरे विभक्तियों में जो मूल शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहता है गीता मोहायी वर्षायी शालायी तो कौन उदाहरण देगा वैभवी जी आप उदाहरण देना चाहते हैं नदी वो तो इकारांत हो गया नदी अलग होगा इकारांत हो गया नदी वैभवी उनके रूप अलग चले अहम गीता यही पुष्पम नयामि उत्तमम् अहम् गीतायै पुष्पं नयामि देर हो गई पर लाने में गीता जी तो चली गई गीता जी गीता जी आगच्छतु वैभवी महोदया पुष्पं नयति ठीक है ये आपने लिख लिया तो प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए पंचमी एक मिनट इसको फिर से लिखना पड़ेगा पंचमी से
एंड दिस पंचमी से मीन्स सेपरेशन. सो वर्षायाः गीतायाः पंचमी है इसकी. और हम षष्ठी भी लिख देते हैं क्योंकि षष्ठी और पंचमी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक ही होते हैं. आचार्य, प्रेष्यामि मींस टेकिंग, नो? भेजता हूँ, आई एम सेंडिंग, सेंडिंग. हम गीतां प्रेष्यामि, मोहाया प्रेष, गीताया प्रेष्यामि, व्हाट डज इट मीन देन? कौन सा वाला आप बोल रही हैं? तृतीया विभक्ति. प्रेष्यामि, शी सेड, नो? जस्ट लुकिंग एट इट अगेन. हाँ, तो वो बोल रही हैं कि मैं भगवत गीता पुस्तकम पुस्तक को मोहा के थ्रू भेज रही हूँ. तो शी इज सेंडिंग थ्रू, सेंडिंग हम भगवत गीता. ओके, फाइन. तो उसमें मोहया जो है उसमें तृतीय विभक्ति उपयोग हुई है, गीता में नहीं हुई. ठीक है, तो पंचमी और षष्ठी दोनों एक ही होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का. तो पंचमी सेपरेशन है, अलग होना. तो जैसे हमने राम के समय देखा था, रामात या वृक्षात, तो ये अलग होने वाला विभक्ति है. तो इसके हमने जब उदाहरण लिखे थे, कहाँ पे है, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा. राम के हमने उदाहरण किसी और पेज पे लिखे थे शायद. तो उदाहरण था फलम वृक्षात पतति. हाँ, तो वृक्ष से फल अलग हो रहा है. तो अभी हम यदि कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी बनाना चाहते हैं तो कोई उदाहरण सोचेगा? वर्षा जी, इस बार वर्षा जी से पूछते हैं, उदाहरण कोशिश करना चाहेंगी. मैं हाँ करती हूँ. पुस्तकम अहम गीताया पुष्पम छीना को क्या कहेंगे? अपहरतम, नहीं अपहरा, अपर अपहरण संस्कृत का ही शब्द है तो वो बोल सकते हैं. पर छीन के लिए छिन छिन से जुड़ा हुआ ही कुछ शब्द है. पर ठीक है, अभी उसको उतना आगे मत जाइए. तो मैंने पिछले सेंटेंस का कंटिन्यू कर दिया, उन्होंने दिया मैंने छीन लिया. हाँ, पर थोड़ा सिंपलर भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बीच बीच में थोड़ा मुस्कुरा भी सकते हैं. तो आप ऐसा भी बोल सकती हैं कि पुस्तकम पुस्तकः वर्षायाः पतति. तो पुस्तक जो है वर्षा से छूट के गिर रही है, पतति. हाँ, वैसा भी कह सकते हैं क्योंकि पतति सेपरेशन का एक बहुत कॉमन, बहुत आम उपयोग है. हम फल के लिए भी उपयोग करते हैं, पत्ता पेड़ से गिर रहा है तब भी हम बोलते हैं. पर थोड़ा और रियलिस्टिक यदि बोलना है तो हम अश्रु का उपयोग कर सकते हैं कि आंसू जो है गीता से गिर रहा है, या फिर हम गीतायाः अश्रु पतति. हाँ, पतति. या फिर हम केश भी बोल सकते हैं, केशः. नहीं, आंसू गिरना सही क्योंकि मैंने फूल छीन लिया.
हाँ फूल छीन लिया तो आंसू गिरेगा, सही बात है। तो शुरू गीतायाः। आजकल तो केश गिरने पर भी रो रहे हैं ना। हाँ वो तो हर घर में होता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबके गिरते हैं। अश्विता या पति हाँ, पर इसको हम थोड़ा सा और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अश्रु जो है एक नहीं होता, अश्रु एक से ज्यादा होते हैं, तो हम पतंती भी कह सकते हैं। और अश्रु, लेकिन फिर अश्रु को भी आपको बहुवचन करना पड़ेगा, और वो उकारांत शब्द है, तो अभी हमने उसका विभक्ति सीखी नहीं है, और ना बहु एक वचन बहुवचन सीखे, तो अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं, और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाद में। तो स्लैश बाल भी गिरा दीजिए, केश भी गिरा देते हैं। केश हाँ, कम से कम बाल तो एक सिंगल गिर सकता हाँ है। ठीक है, तो चलो षष्ठी का के की, विच मीन्स ऑफ, किस उसका उसकी जैसे हम बोलते हैं, तो गीता याहा, ये भी वही पंचमी जैसा ही एक ही है। तो अब एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, आप फिर एक और उदाहरण मैं मोहा जी से पूछूंगा इस बार। गीता याहा पुस्तकम् पठामि। तो मैं गीता की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं गीता जी की, आई एम रीडिंग और स्टडिंग गीता फ्रॉम गीता जीज बुक। हम बिना लगाए भी ये क्लियर हो जाता है, क्या लगा के? बिना अहम लगाए। अहम के बिना भी चलेगा। हाँ, अहम किसी किसी वाक्य में आपने देखा होगा, जैसे आप पढ़ रहा जो हूँ बस आम हल्का, बोलचाल की मैं भाषा में बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं वदामी पठामी, तो उतना भी चलता है। ठीक है। और संस्कृत में तो ये आसान है ना कि हम कभी भी लगा सकते हैं, तो आपको लगा कि अहम की जरूरत है तो बाद में लगा दो। जी गीताया हा पुस्तकम पठामि अहम, हो गया पूरा। चलो तो सप्तमी का उदाहरण जो है, सप्तमी मतलब में और पर, तो इन और ऑन। तो सप्तमी कैसे चलती है? गीतायाम आचार्य, व्हाट इज पंचमी विभक्ति? सेपरेशन। फॉर गीता सी गीता गीतम गीताया गीतायै गीतायाः, तो 5 ओवर, 6th वन व्हाट इज इट? षष्ठी का के की, हाँ ऑफ हाँ हाँ ऑफ ऑफ गीता तो का, गीता हाउ की, डू हाँ तो गीता यहा हाउ डू वी से पुस्तकम, दैट? गीता यहा हाँ पुस्तकम पठामि अहम। तो आई एम रीडिंग गीतास, ओके ओके गीताज दोनों पुस्तक। में गीताया ही है। ओके तो इवन 5th आल्सो यू हैव रिटन एज वर्षाया स्लैश गीताया, सो हाँ, व्हाट इज इट? दैट इज इट। पंचमी और षष्ठी जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की एक ही होती है, सेम होती है, तो आप पंचमी में भी तो गीता ओके याहा ही या बोलेंगे या और षष्ठी में भी वही हाँ बोलेंगे। हाँ
तो आपको वाक्य देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, तो वाक्य पढ़ने के बाद लगेगा कि अच्छा ये पंचमी है कि षष्ठी, तो आप वैसा सोच सकते ओके ऑल राइट ठीक है। ज्ञातं वा आम हाँ 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 ज्ञातम आम। ज्ञातम चलिए, तो इस बार मोहा जी इसका उदाहरण देंगी। मोहायाम गीतायाम, तो इन और इन और ऑन। एक सेकेंड।